महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिन। दो मिनट बड़े आनंद की करेंगे बात, बस 120 सेकंड में कर रहे हैं आपके साथ। बात कर रहे हैं हम भिंड मध्य प्रदेश के पास से बरासो अतिशय क्षेत्र की, जहां पर मुनि श्री वीरसन सागर जी का अभी चतुर्मास हुआ, उसी समय की घटना सुना रहे हैं आपको। कहते हैं उसके पास एक गुर्जर का मकान था और गुर्जर एक भैंस को पाले हुए था। जाता वह बांधता भैंस को और दूध निकालता, चार गाय देता और वापस बांध देता। उसने देखा कि वहां खूंटे से थोड़ा दूर पड़ रहा है, उसने खूंटे को घर के पास कर लिया, घर के अंदर कर लिया और अब वह वहां भैंस को बांधने लगा। लेकिन भैंस जैसे ही खूंटे से बांधा उस जगह पर, उसने भिनना शुरू कर दिया। वह रोज गुस्से में करती कि मुझे मत बांधो, इसे खींच रही हो। गुर्जर को डर लगा कि अब तो इसे बाहर बांधूंगा नहीं, ये भागना चाहती है, और वो कस के रोज ठोकता और भैंस बहुत ज्यादा बिथकाती, बहुत डरती, बहुत खींचती थी, वो तोड़ना चाहती है खूंटे को, भागना चाहती है, उसे ऐसा लगा। इधर मुनि श्री वीरसन सागर जी को स्वप्न सा लगा कि कहीं ना कोई बात है, इस गुर्जर के घर में मकान से एक भैंस की बड़ी अजीब आवाज आ रही है, ऐसी क्यों आ रही है, पहले ऐसी नहीं आ रही थी। वे अपना सोच रहे थे, मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उधर गुर्जर बार बार उस भैंस को रोकने के लिए वही कसके खूंटे से बांधता। मुनि श्री गए उसके गुर्जर के पास, एक बार नजर से दोनों को देखा और फिर उन्होंने तुरंत उससे कहा, गुर्जर से, लगता है इस भैंस को कोई तकलीफ है। गुर्जर कहता, हां महाराज। उसने नमन किया दिगंबर साधु को देखकर और कहा, महाराज ये भागना चाहती है, इसे मैं बाहर नहीं बांध सकता, इसलिए मैं घर के अंदर इसको बांध रहा हूं। उन्होंने कहा, नहीं, लगता है कोई और बात है, तुम इस रस्सी से खोल दो। उसने कहा, महाराज ये भाग जाएगी, मेरा खाना पीना इसी से चलता है। उन्होंने कहा, नहीं भागेगी, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। उसने गुरु की मान ली, साधु की मान ली, जैन संत की बात हर कोई मान लेता है। जैसे ही उन्होंने माना, वह वहीं पर भैंस बैठ गई, खूंटे की तरफ देखती जा रही थी और तब उसने देखा कि ऐसा क्या हो रहा है, खूंटे के नीचे खुदाई की गई और एक प्रतिमा निकल आई, जो आपको अब तक से दिखा रहे हैं, यही अतिशयकारी प्रतिमा, श्वेत बिना लाछन की यह प्रतिमा निकली, जो लगता है काफी प्राचीन है। ऐसी चमत्कारी प्रतिमा जिसे भैंस तक जानती है, ये हमारी लोगों की क्या बात है। खुशखबरी आपके लिए, सादर जय जिनेंद्र।